Hey guys, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेस्टिमोनियल्स। ओके, टेस्टिमोनियल की सीएसएस अप्लाई करेंगे, तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग ने वो सारी चीजें की थी, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा मेनू नहीं है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नहीं, मुझे लगता है सर्विसेज वाले वीडियो में हम लोगों ने लिखा था ये कॉमन एंकर के लिए सब कुछ लिखा था, करेक्ट। लेकिन देखिए हमारा मेनू यहाँ पर दिख नहीं रहा है, वो मैंने पर्पसली हाइड करके रखा था क्योंकि मुझे मोबाइल सेक्शन में काम करना था। इस वजह से यहाँ पर देखिए डिस्प्ले नन करके रखा है स्लाइडर नैब में। ये मैं जैसे निकालता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए सारे एंकर्स को अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी एंकर्स है। इस वजह से यहाँ पर आपने जो सीएसएस लिखी है ना, ये वाली, वो सभी एंकर्स पे अप्लाई हो रही है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा इस एंकर के लिए। तो मुझे देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, तो इसमें जाके आपको सिंपली लिखना है क्या, मुझे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जो है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए। सेव करता हूँ तो देखिए आपका नेविगेशन का जो है बैकग्राउंड जो है निकल जाएगा। तो ये एक चीज थोड़ी एड ऑन मुझे करनी थी, इसीलिए मैंने दिखा दिया। ओके, तो चलिए इसको मैं फिर से बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे फिर से मोबाइल में काम करना है, तो इसको फिर से डिस्प्ले नन कर देते हैं, राइट। ओके, तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेस्टिमोनियल का हम लोग क्या कुछ कैसे कर सकते हैं। तो इसको फिर से इंस्पेक्ट हमें करेंगे और इसको मोबाइल में मैं लेके चलता हूँ और टेस्टिमोनियल ओपन करेंगे। देखिए टेस्टिमोनियल हमारा देखिए कहाँ पर है। ओके, आ गया, ठीक है। फिर एक बार टेस्टिमोनियल के लिए भी देखिए मैं पहले तो इसको पहले बैकग्राउंड लगा देता हूँ टेस्टिमोनियल में जाकर। ओके, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, हम लोग क्लास कॉपी कर लेंगे, फिर से इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको मैं बैकग्राउंड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फिर से देखिए सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको भी अप्लाई नहीं होगा, फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर ये कॉपी करके हमें यहाँ पर लगा देना है। ओके, और ये चीज़ जो है टेस्टिमोनियल है, तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल सेक्शन सेक्शन सीएसएस। ओके, और इसके नीचे मैं ये लगा दे रहा हूँ और इसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अभी देखिए आपका बैकग्राउंड लगेगा, तो वही सारी चीज़ है, ध्यान में रखनी है बातें। यहाँ पर टॉप बॉटम मुझे पैडिंग स्पेसिंग चाहिए, तो देखिए टॉप बॉटम मिल गया। सॉरी, रेड थोड़ा आँख में जा रहा है, इसको येलो कर देते हैं। ओके, तो फिर से अब यहाँ पर ये भी मुझे सेंटर में ही रखना है। देखिए ऊपर से सब कुछ सेंटर ही है, तो मैं टेस्टिमोनियल भी इसको सेंटर में रखूंगा। फिर एक बार यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेस्टिमोनियल के अंदर जाके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, तो ये सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डिजाइन कैसा है, ये कुछ इस तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे स्पेसिंग चाहिए। और ये जो है ये भी मुझे लग रहा है अंदर COL का क्लास है यहाँ पर, देखिए। ओके, तो यहाँ पर भी COL है और यहाँ पर भी मुझे फ्लोट लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये मुझे स्पेसिंग यहाँ चाहिए, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, टेस्टिमोनियल्स में जो COL है उसके फर्स्ट चाइल्ड को आप क्या करिए, मार्जिन टॉप जो है वो 1 rem लगा दीजिए। ओके, ये स्पेसिंग मिल जाएगी 1 rem, 2, 3 जो भी लगाना है आपको आप लगा सकते हो। 3 rem लगा दिया, स्पेसिंग मिल गई। और नीचे भी मुझे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, तो यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये नहीं चाहिए अब मुझे, और ये टॉप के बजाय मैं कर देता हूँ बॉटम। ओके, तो यहाँ पर बॉटम में भी देखिए दोनों को मिल जाएगा। अब ये जो नाम है पार्टे स्मृति करके कुछ है, स्मृति पार्टे, तो इसको भी जो है H6 है देखिए यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग थोड़ी सी मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं टॉप और बॉटम। तो उसके लिए भी मैं सिंपली क्या करूँगा, देखिए डॉट टेस्टिमोनियल H6 में चाहिए, और मैं बोलता हूँ टॉप में जो है मुझे 1 rem चाहिए, राइट में 0 चाहिए, बॉटम में 0.5 rem चाहिए और लेफ्ट में मुझे 0 चाहिए। ओके, सेव किया, तो ये देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। देखिए मोबाइल हमारा बन चुका है, रेडी हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ इसको 576 में, तो देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद चलते हैं 768 में, तो अगर आप चाहते हो 768 में इसको बाजू बाजू में रखना तो रख सकते हो, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फिर से टेस्टिमोनियल्स डॉट COL और 768 में जाना है यहाँ पर, और इसके अंदर आपको जाके लिखना है। और पहले तो इसको फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसके बाद आपको विड्थ
50% लगानी है, सेव किया। अब देखिए यहाँ पर ये लगेगा फिर से, या पहले वाले को जो मार्जिन है वो मुझे निकालनी है, तो यहाँ पर फिर से मैं लिख रहा हूँ उसी को, वही चीज़ फर्स्ट चाइल्ड, और इसकी मुझे मार्जिन निकालनी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सॉरी मार्जिन लिखना है यहाँ पर MARGIN टॉप करिए 0, ये 0 हो जाएगा और ये कुछ इस तरह दिखेगा। और इसके आगे तो मुझे दो ही चाहिए। अच्छा थोड़ी सी मार्जिन हम लोग लगा देते हैं यहाँ, यहीं से हम लोग ने फर्स्ट चाइल्ड को जो 0 किया है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट चाइल्ड को 0 ही रखेंगे, नहीं फर्स्ट चाइल्ड को 0 नहीं रखेंगे, वैसे ही रखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर करना क्या है, दूसरे चाइल्ड को भी मार्जिन अप्लाई करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक ही बार लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना एक ही बार लिख सकता हूँ सेव, और यहाँ पर इसको लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ 3 आ रही है, और ये मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये तो मुझे नहीं चाहिए ना। अभी सेव किया मैंने, तो देखिए दोनों की जो है 3 आरईएम लगेगा, मतलब जो भी कॉलम यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगी, मार्जिन टॉप 3 आरईएम कॉलम्स को, दोनों कॉलम्स को लगाई देगी। कब लगेगी, जब आप यहाँ पर देखिए किस में लिखा है आपने 768 में, जब 768 क्रॉस होगा तब ये दोनों को जो मार्जिन टॉप लगेगी, ठीक है। अंदर तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, जैसे 768 क्रॉस हो जाएगा तो देखिए कुछ इस तरह लगेगा, ओके। और फिर से देखिए यहाँ पर स्पेसिंग है, मतलब चिपक रहा है तो उसको थोड़ी स्पेसिंग अप्लाई कर लेते हैं, तो वो स्पेसिंग जो है हम लोग यहाँ पर मोबाइल से ही देंगे यहाँ पे। फिर से मैं बोल रहा हूँ पैडिंग जो है 1 आरईएम लगा दो चारों साइड से, ओके। तो यहाँ पर ये स्पेसिंग भी आपकी चली आ जाएगी। चलिए इतना समझ में आ गया, तो देखिए हमारा टेस्टिमोनियल का जो सेक्शन है वो भी इजीली रेडी हो चुका है। सिर्फ बाकी क्या है, यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो सिर्फ डालनी है हमें, और यहाँ पर जो कलर है टेक्स्ट कलर वो व्हाइट हो जाएगा, और ये दो इमेजेस है, दो इमेजेस तो आ गई ना, सिर्फ टेक्स्ट कलर जो है उसको व्हाइट करना है, तो पहले टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देते, चलो वो मोबाइल से हमें करना पड़ेगा शुरुआत से यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे मोबाइल कहाँ पर है हमारा, हाँ यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेस्टिमोनियल्स में जो H6 है, यहाँ पर देखिए ये H6 है, इसमें जो स्मृति पार्टी लिखा है, और ये पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में हम लोगों ने कॉमन सी अप्लाई की है, और ये जो है ना H1 है इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, H1 क्या H2 है जो भी है, क्या है ये H2 H1 ही है, ओके। तो H1 और यहाँ पर देखिए H6 है, और ये पैराग्राफ है, और ये वाला भी पैराग्राफ है, ओके। तो इन सभी को मुझे एक ही बार लिखना है, तो मैं करूँगा क्या, देखिए यहाँ पर H6 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन है तो इसके लिए मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, तो मैं अलग से लिख रहा हूँ पहले, तो इसके बाद मैं यहाँ पर जाके बोल रहा हूँ इसमें जो पैराग्राफ है उसको लगा दो, और इसमें जो H1 है उसको लगा दो, ठीक है। मैं तीनों चीज को एक ही बार लिख रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या मुझे क्या चाहिए, कलर व्हाइट चाहिए, सेव किया। और जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए आपका व्हाइट कलर दिखाई देगा, और ये बैकग्राउंड अभी मैं निकाल लूंगा, मुझे जरूरत नहीं इसकी, ओके। और बैकग्राउंड येलो नहीं, मुझे बैकग्राउंड यहाँ पर इमेज चाहिए, तो वो मैं भूल गया, वो पहले लगा देते हैं। बैकग्राउंड मैं लिख रहा हूँ, URL लिख रहा हूँ, और यहाँ पर फिर से दो डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर, और मुझे क्या लिखना है, टेस्टिमोनियल वाली इमेज, और यहाँ पर जो है वो रिपीट नहीं करना है, और मुझे ये टॉप लेफ्ट रखना है, ओके। सेव किया, और जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखिए हमारी इमेज चली आ रही है। अच्छा और एक चीज़ यहाँ पर आप चाहिए तो इसको बैकग्राउंड साइज कवर भी रख सकते हो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए। तो ये इमेज आ चुकी है, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम जाते हैं ना, तो ये मैंने कहा था आपको ये ओपेसिटी हम HTML से हैंडल कर सकते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर देख लेंगे इसको कैसे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं करता क्या हूँ, पहले आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, यहाँ पर ये आपका डिव है, इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ, ओके। और ये देखिए आपका डिव है टेस्टिमोनियल का, इसके अंदर है ना और एक हम लोग डिव लगा सकते हैं, अभी फिलहाल तो कंटेनर है, लेकिन इस कंटेनर के ऊपर एक डिव ऐड कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको वो कैसे करते हैं। तो टेस्टिमोनियल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ये कंटेनर बंद कर देता हूँ, और इसमें मैं एक डिव ऐड कर देता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ चलो ओपेसिटी, ठीक है, और ये ओपेसिटी हम लोग लगाएंगे। इसको मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं आपको पहले ब्राउजर में उसको दिखा देता हूँ वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ इस ओपेसिटी पे, और यहाँ पर मैं उसका क्लास अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ,
आप पहले तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड अप्लाई करिए, GROUND बैकग्राउंड। चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हो, आप जो चाहे लगा सकते हो। RGBA मुझे चाहिए 0.0.0.1। ओके, तो ये अभी कलर तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने इसको कुछ नहीं लिखा है, पहले तो ये डिस्प्ले ब्लॉक होता है, राइट? तो इस वजह से देखिए कलर नहीं आएगा। और दूसरी चीज जो यहाँ पर है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये सारे फ्लोट वगैरह सारी जो चीजें वो लगी हुई है, तो अगर आप चाहो तो इसको है ना आप फ्लोट लगा सकते हो लेफ्ट, और आप लगा सकते हो विड्थ जो है वो है होनी चाहिए 100%। अब देखिए, अब जो अब जब आपने ये लगा दिया ना, तो टेस्टिमोनियल में ना यहाँ पर पैडिंग आपने लगा दी है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये टेस्टिमोनियल की पैडिंग निकाल के इस फ्लोट में जो है मतलब जो ओपेसिटी वाला जो डिव है उसको लगा देंगे। तो मैंने इसको निकाल दिया और मैं जाके इसको ये लगा देता हूँ ओपेसिटी वाले को, ठीक है? तो यहाँ पर मैं उसको पैडिंग लगा सकता हूँ, पैडिंग लगाना पड़ेगा मुझे, पैडिंग 0.5 RM और 0। ओके, तो ये एक बार, सॉरी एक सेकेंड, पैडिंग और यहाँ पर 5 IM और 0 मैंने लगा दी, ठीक है? राइट और लेफ्ट मैंने 0 कर दिया। टॉप बॉटम मुझे देखिए क्या चाहिए, 5 REM चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 0.5 लगा सकता हूँ, जो चाहे आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। और इस तरह HTML मतलब इस तरह CSS से आपको जितनी ओपेसिटी चाहिए वो हैंडल कर सकते हो। देखिए अगर क्लाइंट 4 दिन के बाद उठ के आपको बोलता है कि भैया जो डार्क कलर है मतलब ये जो आपको ये जो डार्क है ये थोड़ा कम करो, ये तो आपको करना क्या पड़ेगा, इमेज जाके चेंज करनी पड़ेगी हमेशा फोटोशॉप में जाके हर बार। तो यहाँ से आप हैंडल कर सकते हो ये सारी चीजें। देखिए तो मैं यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर आपको उसको दिखा भी सकते हो कि 8 करेंगे तो कुछ इतना डार्क दिखेगा, 7 करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 5 रखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये छोटा सा बीच में एक एडिशनल दिखा दिया। तो ओके, तो इतना समझ में आ गया। तो ये जो है सिंपली कॉपी करना है और ओपेसिटी के लिए लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ ओपेसिटी के लिए, तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लिखना है और मैं लिख रहा हूँ डॉट ओपेसिटी, और यहाँ पर सेम CSS जो हम लोगों ने लिखी थी। ओके, और इसकी जो पैडिंग है ना वो हमें निकाल देनी है, ये ध्यान में रखना है, जो टेस्टिमोनियल की जो पैडिंग है ये मुझे अभी नहीं चाहिए। ओके, और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, सिंपल है। तो यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सब कुछ सही है, कंटेनर 1200 वगैरह 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 सब कुछ ठीक ही है। ओके, तो ये आपका कुछ इस तरह काम करता है, आप ये सारी चीजें कुछ इस तरह हैंडल कर सकते हो। इसके बाद चाहिए तो आप एक बार थोड़ा सा मोबाइल में भी चेक कर लो यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने सीधे मोबाइल में लिखा है उसको। तो मोबाइल में देखिए ये इमेज जो है वो चली जा रही है, क्योंकि बड़ी इमेज है तो इस वजह से वो वैसा हो रहा है। तो मोबाइल के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करें, मोबाइल के लिए लिख रहे हैं, तो टॉप लेफ्ट के जगह मैं बोलता हूँ सेंटर, सेंटर करिए। फिर भी मुझे नहीं लगता है वो ज्यादा इमेज आने वाली, क्योंकि देखिए इतनी कुछ ऐसा कुछ दिखाई देगा, बट ठीक है इतना भी काफी है। अगर आपको रखना है मोबाइल के लिए, मुझे इमेज दिखानी ही है तो दिखा सकते हो, ऐसा कुछ रख सकते हो आप आपके हिसाब से, ठीक है? और अगर आपको चेंज करना है उसको मतलब टॉप लेफ्ट रखना है, तो मैं सिंपली जाके 768 में जाके उसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाके फिर से उसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टेस्टिमोनियल्स के लिए यहाँ पर क्या करिए, टॉप लेफ्ट कर दीजिए, टॉप और लेफ्ट सेव। तो यहाँ पर देखिए वो वहां पर जाके टॉप लेफ्ट कर देगा। और एक चीज, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड साइज भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कवर फिर से देना होगा। तो यहाँ पर देखिए कवर वो दिखेगा, लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए इमेज जो है ना यहाँ पर भी आपकी सही तरीके से दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर भी आपको सेंटर ही रखना पड़ेगा। तो फिर से मैं निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर भी आपकी वो कुछ इस तरह दिखेगी, कम से कम कुछ ना कुछ दिखेगा। और मैं आगे लेके जाता हूँ, तो चलिए मैंने अभी तक अभी किसको लिखा था, 768 में लिखा था, तो मैं 992 में लिख के चेक कर सकता हूँ। देखिए ऐसे कोई बात नहीं है, कहीं पर भी आप लगा के चेक कर सकते हो, जहां भी आपको चेक करना है। ओके, तो मैं 992 में भी देखिए थोड़ा सा वहां पर चले जा रहा है। तो अगर चाहो तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये सब करने से अच्छा है ऊपर एक ही बार लिख देंगे मोबाइल से। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या लिखना है,
वहां पर लिखा था हम लोगों ने 768 के भी ऊपर ना। हाँ ये तो, ये जो है ना, ये मैं, चलिए टॉप, मैंने टॉप किया और इसको थोड़ा सा मोबाइल में लेके चलता हूँ पहले तो। ओके, तो ये टॉप से आएगा और ये सेंटर में दिखेगा, तो ऐसा मैंने लिखा है। तो देखिए कम से कम यहाँ पर आपकी कुछ इमेज तो दिख रही है, आपने मोबाइल में ही लिख दिया उसको, तो ये दिखते जाएगी जहां जहां पर भी आपको दिखाना है, जैसे भी दिखाना है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, देखिए टॉप सेंटर एक बार लिख दिया, और अगर फिर से मुझे 1200 के ऊपर आपको चेंज करना है तो आप लिखिए। ओके, सीएसएस बढ़ाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे सब ये क्या है, जो चीजें हैं, मतलब जो पॉसिबिलिटीज है, वो सारी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैं थोड़ा सा डीप में जाके आपको बता रहा हूँ। ओके, तो टेस्टिमोनियल्स के लिए फिर से यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ टॉप सेंटर नहीं, फिर से मुझे सेंटर ही चाहिए। वो देखिए सेंटर में कुछ इस तरह दिखेगा, अगर फिर से यहाँ पर चेंज हो रहा है तो मुझे यहाँ पर फिर से वो लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड साइज कवर। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह, तो ये सारी चीजें जो है इजीली आप हैंडल कर सकते हो, और ये ओपेसिटी वाला आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा आपका जो भी लेआउट है। ओके, तो गाइस आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है टेस्टिमोनियल की सीएसएस भी, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बुक नाउ वाला सेक्शन। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।